नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। और एनबीटी न्यूज आज आया है सिविल कोर्ट में, जहाँ पर चुनाव किए जा रहे हैं। बार के चुनाव हैं यहाँ पर, और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में मौजूद हैं अभय सिंह सैनी जी, जो बार पद के अध्यक्ष हेतु हैं, और उनसे हम खास चर्चा में बात करेंगे चुनाव के संबंधित। जी, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय निकाला, धन्यवाद। मैं अभय सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश की बहुत ही गौरवमयी बार सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर के जो हमारे वार्षिक चुनाव होते हैं, उसमें आदरणीय ठाकुर बिशंबर सिंह ग्रुप से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। मेरे साथ महासचिव के रूप में भाई राहुल त्यागी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और कोषाध्यक्ष के रूप में श्री फूल कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी हमारे ग्रुप का पूरा पैनल विजयी था, इस बार भी कचहरी के कोरोना काल होते हुए भी जो सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है और कराए गए विकास कार्यों के मद्देनज़र हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। अध्यक्ष जी, सवाल ले लेते हैं आपसे, आप ये बताइए बार और बेंच में तालमेल आपस में कैसे बना कर रखेंगे? देखो, बार और बेंच ये एक रथ के दो पहिए हैं, और इस परिवार के मुखिया आदरणीय जिला जज साहब होते हैं, और दूसरे जो बार के निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं वो वकीलों का प्रतिनिधित्व इसमें करते हैं। बार और बेंच के जितने भी आपसी मतभेद हैं वो सहारनपुर में, मैं ये बस इस बात को खुशी से कहता हूँ कि ऐसा कोई मतभेद नहीं है, हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। और फिर हमारे जो ग्रुप के लीडर हैं आदरणीय ठाकुर बिशंबर सिंह पुंडीर साहब, वो बहुत ही सूझबूझ के व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्हें हर तरह का 20-22 साल तक आप DGC क्रिमिनल रहे हैं, तो हमेशा बार के भी संपर्क में रहे हैं और बेंच के भी संपर्क में रहे हैं, तो कोई ऐसी बात वैमनस्य की है ही नहीं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही सारा काम यहाँ पे चलता आया है। अच्छा, प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी आपको, थोड़ा दर्शकों को ये भी बताएं। हमारी प्राथमिकताओं में सहारनपुर में जो कचहरी है वो चूँकि शहर के बीच में है, और यहाँ पे जो व्हीकल्स की पार्किंग की व्यवस्था है, आमतौर से देखा जाता है कि सड़कों पे भीड़ भाड़ हो जाती है। पिछली बार जब हम सत्ता में थे तो तब सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया था, जल भराव की एक समस्या थी, नगर निगम से मिलके बोरवेल कराए गए हैं, तो उससे अब कितनी ही बारिश हो जाए आधे घंटे में सब ठीक हो जाता है। नए जो हमारे जूनियर साथी अधिवक्ता हैं उनके चैम्बर्स की एक समस्या बनी हुई है, तो इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक बने, जैसे पहले उत्तर प्रदेश शासन से पैसा आया था डबल स्टोरी बिल्डिंग बनी थी, ऐसे ही जब 555 स्टोरी बिल्डिंग एक बन जाएगी तो उस समस्या से निजात हमको मिल जाएगा, क्योंकि नए आने वाले हमारे साथी को सबसे पहले कचहरी में पैर रखने और बैठने की जगह उपलब्ध होनी ही चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। अच्छा, आप ये बताइए यहाँ पर पार्किंग की समस्या है, पुराने चैम्बर्स हैं और उसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा बताएं कि आपका जो आयाम रहेगा आने वाले टाइम समय में, आप क्या डेवलप करना चाहते हो, क्या आपके प्लान है मास्टर माइंड में, थोड़ा सा ये भी बताएं। देखिए, पिछली कार्यकारिणी ने, अभी चूँकि ठाकुर बिशंबर सिंह ग्रुप की ही कार्यकारिणी है, एक प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में भिजवा रखा है। हमारा जो पुराना CGM कोर्ट होता था, SPO ऑफिस के सामने वाला, जहाँ वर्तमान में वकीलों की गाड़ियों की पार्किंग होती है, उस सारी जगह में SPO कार्यालय और वो पुराना CGM कोर्ट जो अब 138 वाला कोर्ट है उनको तुड़वा कर मल्टी स्टोरी एक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय को भेजा गया है। नगर निगम उसको बनवा रहा है, जिससे ही उसका शिलान्यास होकर वो काम एक साल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, तो फिर ये पार्किंग की समस्या तो कतई खत्म हो जाएगी और हम सड़कों पे खुले आम भ्रमण करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे और करेंगे, जनता का सवाल है, जनता आपके पास जब आती है, जब वकीलों के पास आती है अपने किसी मामले को लेकर, तो एक आशा होती है कि आप न्याय दिलाएंगे। न्याय में समय काफ़ी लगता है, मतलब उनके जूते चप्पलें घर बार द्वार बर्तन भांडे सब बिक जाते हैं, आखिर में आशा और निराशा का खेल चलता है, तो थोड़ा सा ये भी बताएं हमारे दर्शक, क्योंकि मन अंदर से बड़ा दुखी होता है कि कोई रो के निकलता है, कोई हंस के निकलता है, तो थोड़ा सा कैमरे पे ये भी बताएं कि आप हमारे दर्शकों को कि क्या होना क्या चाहिए था, कितनी जल्दी न्याय होना चाहिए था और किस तरह से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी। देखिए, कहावत तो ये है, डिले जस्टिस नो जस्टिस, न्याय शीघ्र हो, सुलभ हो, सुगम हो, और इन सब बातों के मद्देनज़र ये उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा है, 75 जिले हैं, ये व्यवस्था का प्रश्न है, जितने जजेज होने चाहिए उतने जजेज नहीं है, उतने कोर्ट्स रूम नहीं है। अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ले लीजिए, 180
जजेज वहाँ होने चाहिए, लेकिन कार्यरत कितने हैं? 90-100, कभी 90-100 से ऊपर नहीं जाते, और 90-100 से ऊपर नहीं जाते जब आधी अदालतें खाली हैं, और फिर हम कहें कि मुकदमों की पेंडेंसी बढ़ रही है, लोग हताश निराश हो रहे हैं, वही व्यवस्था यहाँ जनपद स्तर पर हो जाती है। जितने यहाँ पे स्वीकृत पद हैं न्यायिक अधिकारियों के, उतनी कोर्ट्स रूम और कोर्ट्स नहीं हैं। अगर वो न्यायिक अधिकारी नियुक्ति कर दे सरकार, तो फिर कोई बात ही नहीं है कि मुकदमों का अकारण बोझ बढ़े। इसमें फिर एक दूसरी व्यवस्था और आ जाती है। केवल ये न्याय व्यवस्था पे ही सवाल नहीं है, जो दूसरी न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। आदमी कहाँ थकता है? जब घर से निकलता है न्याय के लिए, तो सबसे पहले उसका शोषण पुलिस में होता है, और पुलिस में जब उसकी सुनवाई नहीं होती, तब वो अदालत की तरफ पैर रखता है। अदालत में लेकिन पुलिस भी तो आप पे आरोप लगाती है कि वकील ने गुमराह करके भेजा होगा थाने में। देखिए, वकील थाने में कैसे भेज सकता है? वकील बैठे हैं सहारनपुर में सिविल कोर्ट प्रांगण में। कोई वकील अपना बस्ता कहीं चौराहे पे, आम गली में, या गांव में, या किसी नुक्कड़ पे नहीं लगाए बैठा है। तो ये आरोप तो पुलिस का बेबुनियाद हो जाता है। एक पीड़ित व्यक्ति सीधा अपने घर से, गांव से, गली से, मोहल्ले से पहले थाने की तरफ आशा भरी निगाह से देखता है। अध्यक्ष जी, एक और आपसे सवाल करेंगे कि बात वकीलों की चल रही है और आप वकीलों का ही नेतृत्व करेंगे, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ वकील, मैं कुछ का नाम लूँगा, कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारी जजों से सेटिंग है, आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपका केस जल्द से जल्द यानी ट्रायल पे ले आएंगे। तो उन वकीलों के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो पैसे दे देते हैं भोले भाले क्लाइंट, और फिर बाद में उनको वकील का कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, तो बार उन लोगों के लिए क्या करेगा? श्रीमन, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि इसके लिए वकील दोषी नहीं है। अब एक आप उदाहरण के जरिए इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, डॉक्टर उसको खाने की बढ़िया टैबलेट और कैप्सूल देता है, लेकिन मरीज को सेटिस्फेक्शन कब होता है कि भाई मुझे इंजेक्शन तो लगाया ही नहीं, या मेरा एक्सरे तो कराया ही नहीं, या मेरी ब्लड की जांच तो कराई ही नहीं। आपका काम अपनी वकालत लेना है, ना कि जज के नाम पे कुछ लेना। जज के नाम पे कोई वकील पैसा नहीं लेता, मेरा ऐसा मानना है, और न आज तक ऐसी कोई शिकायत आई। और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो हमारी गवर्निंग काउंसिल है, हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, हमारी मात्र शक्ति है, तो वो उस शिकायत को सुनती है, और बहुत वकीलों के लाइसेंस कैंसिल हो जाते फिर तो। लेकिन आज इतने दिन में समाधान करते हैं आप? 4 से 6 महीने में बार काउंसिल की जो डिसिप्लिन कमेटी है, वो इन शिकायतों का निस्तारण करती है। चलिए, ये थे बार काउंसिल के पद अध्यक्ष हेतु, और आज खास बातचीत में हमारे साथ जो मौजूद थे, मैं उनसे चर्चा कर रहा था, और हम कामना करते हैं आप जल्द से जल्द अध्यक्ष बने। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NVD न्यूज़, न्यूज़ सहारनपुर के साथ।